हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद और आज मैं एक दफ़ा फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के रिलेटेड एक बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रिक कि जब आपको कोई व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज करता है और साथ ही डिलीट कर देता है तो आप कहते हैं कि यार इसने कोई मैसेज किया था और साथ ही डिलीट कर दिया, और ये क्या मैसेज इसने किया था। तो आप बड़े बेचैन होते हैं कि उस मैसेज का पता लगाया जाए कि इसने क्या मैसेज किया था। तो आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं अगर वो डिलीट भी कर दे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ये जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ ये 100% वर्किंग करने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, करना ये होता है कि यहाँ पे जैसा कि मेरे पास दो व्हाट्सअप अकाउंट है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है। मैं यहाँ से एक व्हाट्सअप अकाउंट अपना ओपन करता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं अब एक मैसेज करता हूँ, हाय हेलो। ये दो मैसेजेस मैंने किए हैं, तो इनमें से एक मैसेज मैं अभी डिलीट करके डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक करके डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं अपना दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज डिलीट हो चुका है। अब हम जो मैसेज डिलीट हुआ उसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, तो वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने करना ये है कि एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उसका नाम है एंटी डिलीट, ठीक है। या मैं यहाँ पे एंटी डिलीट सर्च किया हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, ठीक है, 100% वर्किंग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं अब इसको ओपन करता हूँ। तो आपने करना ये है कि इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्विस नॉट रनिंग, ठीक है, इसको इनेबल कर देना है, तो ये रनिंग में आ जाएगी। और यहाँ पर सेटिंग पर जाके नोटिफिकेशन अलर्ट पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये अब आपको कोई दूसरा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस इतना सा आपने इस एप्लीकेशन पे काम करना है। और उसके बाद आपने करना यह है कि मैं अपना जो पहला व्हाट्सएप है, ठीक है, वहाँ से अब मैं एक मैसेज करता हूँ, हाय, ठीक है। ये मैसेज मैंने किया है, अब मैं इसको साथ ही डिलीट कर देता हूँ डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक करके। तो अब मैं अपना जो दूसरे व्हाट्सएप का फिर जिस पे मैसेज आया उसको मैंने ओपन किया, तो ये देखें मैसेज डिलीट हो चुका है। अब हम इस मैसेज जो डिलीट हुआ उसको हम देखना चाहते हैं कि ये क्या मैसेज आया था। तो आपने करना ये है कि जो आपने एप्लीकेशन की थी उसको ओपन करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैसेज उस बंदे ने किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह आप कोई भी मैसेज जो डिलीट कर दे कोई बंदा, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके ज़रिए आप कोई भी मैसेज व्हाट्सएप का सीन कर सकते हैं, चाहे वो डिलीट कर दे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि मेरी जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। और इस वीडियो के बारे में आपने कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।